नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताएंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, या दोस्तों दोनों टीमों की ओर से कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि भारतीय टीम में दो दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई है, उनका नाम क्या है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला हुआ था जहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने 227 रन से मैच जीता, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम ने 317 रन के बड़े अंतर से जीतने के बाद इतिहास रचा और टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। और दोस्तों अब 24 फरवरी यानी कि बस कुछ समय बाद अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा दर्शक आ जाते हैं मैच देखने, दोस्तों इसमें डे नाइट टेस्ट मुकाबला होगा पिंक बॉल से। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी दोनों टीमों की ओर से मैदान में उतरने वाले हैं, मगर दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं इस मैच का आप लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट 1, स्टार स्पोर्ट्स HD, स्टार स्पोर्ट हिंदी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाओगे दोपहर के 2:30 पर। उसके बाद दोस्तों बात कर रहे हैं इंडिया की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में, तो सबसे पहले शुभमन गिल के साथ आपको रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको पता है शुभमन गिल ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले में, अगर उम्मीद ये करेंगे कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल अच्छा प्रदर्शन करें तो वहीं रोहित शर्मा से उम्मीद ये होगी कि अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं। उसके बाद दोस्तों चेतेश्वर पुजारा आपको खेलते हुए नजर आएंगे भारतीय टीम में, तो वहीं विराट कोहली भी आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं, कप्तानी भी करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अब कप्तान अजिंक्य रहाणे आपको खेलते हुए नजर आएंगे और दोस्तों विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करते हुए आपको ऋषभ पंत नजर आने वाले हैं और अक्षर पटेल जिन्होंने 5 विकेट लिए थे वो भी आपको दोबारा से प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आएंगे और इंग्लैंड के छक्के छुड़ाते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों उसके बाद आर अश्विन का नंबर आने वाला है और मोहम्मद सिराज नहीं खेलने वाले हैं, मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिल पाई है और कुलदीप यादव की जगह उमेश यादव की वापसी हो गई है और जसप्रीत बुमराह भी टीम में शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों अंत में ईशान शर्मा का नंबर आता है, तो दोस्तों ये 11 खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम की ओर से आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की ओर से डोमिनिक सिबली आपको खेलते हुए नजर आएंगे, उसके बाद रोरी बंस आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, जो रूट जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में डबल शतक लगाया था वो आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों बेन स्टॉक्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे, हो सकता है जॉनी बेयरस्टो की वापसी हो जाए मगर पक्का पता ये नहीं है कि जॉनी बेयरस्टो की वापसी किस खिलाड़ी की जगह पर होगी, या तो बेन फॉक्स को बैठना पड़ सकता है या फिर ओली पॉप को बैठना पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों ओली पॉप आपको खेलते हुए नजर आएंगे अगर जॉनी बेयरस्टो नहीं खेलते हैं तो, और बेन फॉक्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे अगर जॉनी बेयरस्टो नहीं खेलते हैं तो। उसके बाद दोस्तों डॉम बेस का नंबर आता है, उसके बाद दोस्तों जैक लीच का नंबर आता है और जोफ्रा आर्चर की वापसी हो गई है, तो वहीं जेम्स एंडरसन की भी वापसी हो चुकी है इंग्लैंड की टीम में। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना कि भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम दोनों टीमों में से तीसरे टेस्ट मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।